Let's do question number 3 of exercise 1.2, that is number system. Question number 3 is, show that root 5 can be represented on a number line. Friends, hame root 5 number line pe represent karna hai. To root 5 represent karne se pehle hame Pythagoras theorem pata honi chahiye ki Pythagoras theorem hoti kya thi. Pythagoras theorem hoti thi h square equals to p square plus b square, right friends? Ye hamara base hota tha, ये हमारा परपेंडिकुलर होता था और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता था. अब हमें रूट फाइव रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज आता था वो रूट फाइव लाना है हमें, पहली बात. दूसरी बात, हम बेस कैसे पता करेंगे कि बेस हमारा कितना है. बेस कैलकुलेट करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि फाइव से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है. फाइव से नियरेस्ट होती है वैल्यू जो छोटी होती है, छोटी, दैट इज फोर. और फोर किसका स्क्वायर होता है? टू का स्क्वायर होता है. या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस हमारा 2 आ गया और परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 ही लेते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो अगर हम परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेते हैं, 1 यूनिट, और रूट 5 निकालना है तो बेस कितना निकालना है, इसका रिवर्स मेथड भी है. जैसे कि आप h की वैल्यू रूट 5 ले लीजिए, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स? तो ये आ गया 5 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 इधर चला गया, दैट मींस 5 माइनस 1. बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2. आपने रिवर्स तरीके से, ये रफ वर्क है हमारा, ये रफ वर्क है, इसको आप फेयर में नहीं करेंगे. फेयर वर्क के लिए हम, अब हमें पता चल गया हमें बेस 2 है, तो अब वी विल टेक बेस 2 यूनिट्स, राइट फ्रेंड्स, एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट. नाउ एच का फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. बी इज 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस 1, दैट इज 5. नाउ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो एच कितना हो गया, एच इक्वल्स टू रूट 5. अब रूट 5 कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं. फ्रेंड्स, पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए नंबर लाइन के लिए और इस पे पॉइंट मार्क कर दीजिए 0, 1, 2. स्केल से भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, मैं विदाउट स्केल पॉइंट मार्क कर रही हूं. हमने बेस 2 यूनिट्स लिया था तो बेस हमारा ये हो गया. अब हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनता था पाइथागोरस पे, तो हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. लेट्स सी कैसे बनाएंगे. हमने क्लास 8th में भी सीखा है 90 डिग्री का एंगल बनाना, राइट फ्रेंड्स? यहां से एक आर्क मारा, यहां से एक आर्क मारा और ये एक आर्क, सॉरी, यहां से एक आर्क लगा और इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट फ्रेंड्स? अब हम 1 यूनिट है हमारा, तो 1 यूनिट हमारी, जैसे कि ये मान लीजिए ये 2 यूनिट, 1 यूनिट लिया है हमने, यहां से 1 यूनिट इतना लिया है, ये मार्क कर लीजिए. यहां हमने 1 यूनिट इतना लिया था, इतना ही मैं यहां पे ले रही हूं फ्रेंड्स, 1 यूनिट, राइट फ्रेंड्स? अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से, ये हमारा पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया. अब हम 0 से इस 1 यूनिट तक जितनी भी हमारा है, जहां पे आर्क लगा हुआ है 1 यूनिट का, उसको मेजर करेंगे, उसको हम रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींच देंगे और जहां ये पॉइंट आएगा, दैट इज आर वैल्यू ऑफ रूट 5. ये हमारी रूट 5 की वैल्यू होगी. ये हमारा हाइपोटेन्यूज रूट 5 आया था, ये हमारा 2 यूनिट्स रहा था, ये हमने 1 यूनिट माना है और दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 5. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो,
Please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.